everyone, welcome back to my channel with Sakshi. This channel is all about art and craft with Sakshi. आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 5-year-old पोस्टर कलर यूजिंग. सो ये आज की वीडियो में हम करेंगे पोस्टर कलर से पेंट. काफी टाइम से बहुत हुआ एक्रेलिक पेंट कैन एंड फैब्रिक पेंट, क्रियॉन कलर, सारे कलर्स मैंने यूज कर लिए हैं अपने इस वीडियो में. एंड बाद में आज यूज कर रही हूँ अपने पोस्टर कलर को. सो यस, उन्हीं सबके यूज से मैं बनाने वाली हूँ कुछ यूनिक से पेंटिंग DIY है. यस, तो इन सारे पोस्टर कलर को मैं यूज करूंगी और बनाऊंगी एक यूनिक सी पेंटिंग. पसंद सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. And please, I request you everyone, please subscribe to my channel. Thanks so much. Let's get started. And video start करने से पहले मैं remove करूँगी अपने rings को, क्योंकि आज की painting होने वाली है बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी. So yes. Take your pencil and complete your rough sketch. मैंने यहाँ पे बनाई है 2 birds को. और अब मैं यहाँ पे इस पर कलर अप्लाई करना स्टार्ट कर लूँगी. तो फर्स्ट मैं ले रही हूँ येलो कलर शेड एंड क्विकली कंप्लीट कर लेंगे हम इसे. एंड येलो शेड कंप्लीट होने के बाद मैं लूँगी यहाँ पे मस्टर्ड कलर और उससे हम करेंगे अपने पार्ट्स को कलर. अगेन मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड कलर और कुछ इस तरीके से हम पैटर्न्स ड्रॉ करके उसे कर लेंगे कंप्लीट. एंड बर्ड्स को और भी ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे बेबी पिंक कलर और इसे कर लूँगी इस तरीके से कंप्लीट. मैं ड्रॉ करने वाली हूँ येलो सर्कल. तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएंगे एक येलो सर्कल और अब हम इसके बाद अप्लाई करेंगे ऑरेंज कलर. व्हाइट एक्रेलिक पेंट से हम इसके पार्ट्स को कर लेंगे कंप्लीट. अब मैं लेने वाली हूँ ग्रे कलर और कंप्लीट कर लूँगी अपना ये प्रोसेस. एंड अगेन मैं ले रही हूँ पर्पल कलर और इस तरीके की डिज़ाइंस ड्रॉ करके मैं उसे कर लूँगी कंप्लीट. एंड मैं ले रही हूँ यहाँ पे टील कलर और इसे कुछ इस तरीके से कर लेंगे कंप्लीट. नेक्स्ट मैं ले रही हूँ ब्लैक कलर और उसके अपर पार्ट्स को कर लूँगी कलर, यानी उसके फेस को फटाफट से मैं कर लूँगी यहाँ पे कंप्लीट. और अब मैं ले रही हूँ ऑरेंज कलर और इसको कुछ इस तरीके से कर लूँगी कलर. एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगी अपने आईज को. और अब कुछ इस तरीके से मैं बनाऊँगी इसमें लीफ. और अब मैं यहाँ पे कलर करूँगी अपनी छोटू से बर्ड को. तो ये भी बर्ड्स बहुत ज़्यादा होने वाली है कलरफुल. तो ऑरेंज कलर मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ एंड मैं अब ले रही हूँ बेबी पिंक कलर, उसको अप्लाई कर लिया. और अब ले रही हूँ येलो कलर, उसको भी मैं फटाफट से कंप्लीट करके. एंड मैं अब ले रही हूँ टील कलर, उसको भी कंप्लीट कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से. और अब मैं ले रही हूँ मस्टर्ड येलो कलर. तो अब यहाँ पे आता है हमारा ग्रे कलर. तो इस तरीके से हम पैटर्न ड्रॉ करके इसे कर लेंगे कंप्लीट. और बर्ड्स के टेल को कलर करूँगी मैं यहाँ पे टर्कुविश कलर से. ओ यस. और जो बचे हुए पार्ट से मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी रेड कलर शेड को. यस. और अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं ब्लैक कलर को. तो फटाफट से हम इसके हेड्स को कंप्लीट कर लेंगे.
और अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाली हूँ, कंप्लीट कर लूँगी अपने फ्लावर्स को। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपने कलरफुल फ्लावर्स को भी कंप्लीट कर लूँगी इस तरह से, येलो ऑरेंज शेड, ग्रीन शेड, सारे कलर्स को मैं यहाँ पे इस फ्लावर में डालने वाली हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं कुछ इस तरीके से अपने कलरफुल फ्लावर्स को रेडी कर ली हूँ, मतलब कि मैं इस फ्लावर्स में 3 टोन शेड का यूज़ करके कंप्लीट कर लूँगी अपने कलरफुल फ्लावर्स को। और जो हमारे बचे हुए डिज़ाइंस हैं मैं वहाँ पे अप्लाई करूँगी येलो कलर एंड ब्लैक कलर शेड। तो यस, कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे येलो कलर अप्लाई कर लेंगे। एंड अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्लैक कलर शेड। तो कुछ इस तरीके से हम अपनी सारी कलर्स डिज़ाइंस को बना लेंगी। और अब यहाँ पे ब्लैक कलर शेड से बर्ड्स के पैर को कर लेंगे कम्प्लीटली कलर, और उसके बाद हम बनाएंगे फ्लावर्स के लीव्स को। तो फटाफट से ये प्रोसेस कर लेते हैं कम्प्लीट। एंड बैकग्राउंड कलर करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी बेबी पिंक कलर शेड, और फटाफट से मैं ये प्रोसेस कर लूँगी कम्प्लीट। एंड मैं यहाँ पे ले रही हूँ राउंड ब्रश, और इस ब्रश से मैं यहाँ पे इसके जो बहुत ज़्यादा डीपली पार्ट्स हैं उनको कलर कर लूँगी। सो यस, इट्स डन। ये तो बर्ड से मैच हो गया। कोई नहीं, हम इस पार्ट को कर लेंगे लाइट पर्पल कलर शेड से कंप्लीट टर्न। ओ वाओ, हम दोनों कितने प्रिटी लग रहे हैं ना। और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद मैं यहाँ पे लूंगी डार्क पिंक शेड और इसको कर लूंगी कंप्लीटली बैकग्राउंड को कलर। यस, ब्लैक आउटलाइनिंग से यार हमारे बर्ड्स में जान आ जाएंगी, ये थोड़ा उभर के निखर के आएगा। सो इसी प्रोसेस के साथ ही पेंटिंग हो गई है कंप्लीट। यस, इट्स कंप्लीटली डन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड मुझे इसका जो कलर टेक्सचर है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो सारे बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। It is my hand, everyone. It's very colorful, like feeling a holy wali feeling aa rahi hai mujhe yahan pe, kafi colorful mera hand ho chuka hai. And aapko ye video pasand aati hai, so please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. Thanks so much. Thank you, bye bye.